अभिभावकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप अपने अपने घरों में कुशल होंगे। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 15 से शुरू हो चुके हैं, लेकिन कई विद्यार्थियों के एग्जाम मंडे से यानी कि 19 तारीख से भी शुरू हैं। एग्जाम है तो बच्चों के, लेकिन उसमें माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे कुछ सुझाव हैं जो कि एज अ मदर, एज अ टीचर, पिछले 26 सालों का जो मेरा अनुभव है वो बताता है कि हमें बच्चों के साथ इस दौरान किस तरह व्यवहार करना चाहिए, उन्हें किस तरह सहयोग देना चाहिए। तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं, उनको फॉलो जरूर करिए और अपने बच्चों के साथी बनिए, डिक्टेटर नहीं। तो देखिए, नंबर वन टिप, बच्चे के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करें जिसमें बच्चा कंफर्टेबल होकर अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाए। इसके लिए आपको स्वयं भी मोबाइल को नहीं छूना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा, किसी को क्रिटिसाइज करना, ये बिल्कुल भी ना करें। नंबर टू, बच्चे बड़े भोले होते हैं, बार बार उनको जाके अपमानित ना करें, उनको टॉन्ट ना कसें, उनकी तुलना ना करें। आपका बच्चा यूनिक है, अद्भुत है, सिर्फ उस पे विश्वास करिए। कोशिश करिए कि माता या पिता में से कोई भी सारा दिन उसके आसपास जरूर बना रहे ताकि बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आ सके। ये जरूर सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से की है या नहीं। इसके लिए आप स्कूल के अध्यापकों की ऑनलाइन इस तरह की सुविधाएं ले सकते हैं। बच्चे की डाइट का विशेष ध्यान रखें, उसको हेल्दी फूड दीजिए, बीच बीच में उसे पानी जरूर दीजिए पीने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे इस दौरान सोना कम कर देते हैं और यही सबसे उनकी बड़ी भूल होती है, और माता पिता भी ये देखकर बड़े खुश होते हैं कि उनका बच्चा रात रात भर जग के पढ़ रहा है। जबकि कई बार ऐसा हुआ है और होता भी है कि बच्चा रात भर पढ़ता है और उसके बाद सवेरे, क्योंकि माइंड जो है उसका रिलैक्स नहीं हो पाता है, तो वो कई गलतियां करता है और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि बच्चा लिख नहीं पाता है और वहां एग्जामिनेशन रूम में सब कुछ भूल जाता है। तो आपसे मेरा ये अनुग्रह है कि मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि बच्चे के तानाशाह मत बनिए, उसके दोस्त बनिए, उसके हमदर्द बनिए। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन डे में फॉलो करने हैं। नंबर वन, सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा अच्छे से यूनिफॉर्म पहनकर, आई कार्ड डालकर स्कूल जाए। नंबर टू, उसको एडमिट कार्ड देना बिल्कुल भी मत भूलिए। बच्चे को छोड़ने और लेने स्वयं जाएं। जैसे कि 10 बजे से ठीक पेपर शुरू हो जाएगा और पहले दिन बच्चों को टाइम भी लगता है, तो कोशिश करिए कि ठीक 9:30 पर बच्चे सेंटर में पहुंच जाएं। बिल्कुल एडमिट कार्ड में लिखा है सेंटर नंबर, विद्यालय का नाम, ये आप भी देखें और बच्चे को भी बताएं। बच्चे को समय का पालन करना सिखाएं, उसको बताएं कि 3 घंटे उसको किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। अपने बच्चे को ये भी सिखाइए कि दूसरे स्कूल में जाकर उसको व्यवहार कैसा करना है। दूसरे अध्यापकों के साथ उसका व्यवहार बहुत ही उत्तम सुशील होना चाहिए। बच्चे, मैं फिर से कहती हूँ कि बच्चे एक कच्ची मिट्टी के समान है। आप और हम जैसा उनको बनाएंगे वैसे ही बनेंगे। तो साथियों, ये कुछ टिप्स थे मेरे आपके लिए और मुझे आशा है कि आप इनको फॉलो करेंगे और बच्चों को भी बताएंगे। और एग्जाम के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये हम सबको मिलकर अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, जिसमें कि हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो वंस अगेन, हैप्पी एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट।